रायपुर रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है। यहां भाजपा, कांग्रेस एवं निर्दलीय प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला है। वार्ड परिसीमन के पूर्व यह वार्ड हमेशा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब स्थिति कुछ बदली नजर आ रही है। यहां कांग्रेस की प्रत्याशी गौसिया अहमद सुल्ताना चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस से खफा अनवर हुसैन के परिवार से श्रीमती कहकसा हुसैन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। पिछले 15 वर्षों से अनवर हुसैन इस वार्ड के पार्षद हैं। तो वहीं भाजपा ने विश्वदनीय पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। आज सिंधु यूथ न्यूज चैनल की टीम ने इस वार्ड का दौरा किया एवं भाजपा प्रत्याशी से एक विशेष मुलाकात की। श्रीमती पांडे ने बताया कि पूर्व पार्षद ने वार्ड में कोई काम नहीं किया, उन्हें पूरे वार्ड वासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त है, उनकी भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। जी, मैं विश्वदनी पांडे भाजपा की प्रत्याशी हूँ वार्ड क्रमांक 10 से। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे यह जो नया वार्ड बना है वार्ड क्रमांक 10 उसका प्रत्याशी बनाया है। मैं पिछले 10 दिनों से वार्ड में घूम रही हूँ और टिकट मिलने से पहले भी हमारा जनसंपर्क शुरू हुआ था। वार्ड में बहुत अनियमितताएं हैं, आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं उनकी क्या हालत है। खंभे तो हैं लेकिन लाइट नहीं है, नालियां हैं उसमें पूरा कचरा भरा हुआ है, सफाई नहीं होती, बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं। मोआ जो है पहले गाँव था और आज भी मोआ को गाँव ही रखा गया है। नगर निगम में होने के बावजूद भी आज मोआ लगता नहीं है कि नगर निगम का एक हिस्सा है। गांव की पगडंडी भी अच्छी रहती है यहाँ की सड़कों से, लेकिन यहाँ की सड़कें पगडंडियों से भी गई गुजरी हैं। तो हमने यहाँ के लोगों से भी पूछा, सभी परेशान हैं यहाँ की अव्यवस्था को लेके, इसलिए सभी परिवर्तन चाहते हैं और सबका रुझान हमारी ओर है और हमें विश्वास है कि हम यहाँ से अच्छी लीड के साथ जीतेंगे और रायपुर में हमारा महापौर भी होगा और पार्षदों की संख्या अधिक होगी, इसलिए महापौर बनना भी हमारा निश्चित है। पहले तो आप लास्ट में जो समस्या बोले हैं तो समस्याओं के तरफ में पहले बात कर लूँगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। विगत 30 साल से जिसमें दो पंचायत और 20 साल का जो रहा नगर निगम का जो काम था, तो मोआ जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे जो समस्याएं हैं, आप पूरे मोआ वार्ड में, चूँकि अभी मोआ दो वार्ड हो चुका है, मैं चैलेंज करता हूँ कि दोनों वार्ड में आप एक शौचालय दिखा दो जो सार्वजनिक शौचालय हो, है ना। मोदी जी ने आज घर घर तक में शौचालय बनवा दिया, लेकिन हमारा मोआ आज भी हमारे पार्षद के वजह से एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। यहाँ पे प्रदेश स्तरीय बड़े बड़े संस्थान हैं, जो हॉस्पिटल हैं, पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इलाज कराने के लिए मरीजों को आते हैं, और जब हम सुबह सुबह लोगों से मिलते हैं वो भाग दौड़ करते रहते हैं इधर से उधर, कहीं पर सुलभ शौचालय हो, कहीं शौच करने के लिए कोई जगह हो, तो हम लोगों को इतना तकलीफ़ होता है, शर्म आता है मोआ के लोगों को। तो ऐसी स्थिति है। अच्छा, आप पूरे वार्ड का भ्रमण कर दीजिए, आप साफ सफाई के नाम से आप पूरे गलियों में देख लीजिए, कहीं पे भी कचरा पड़ा हुआ है, नालियों से कचरा अगर निकला भी हुआ है तो या तो नालियां बजबा जा रही है, और कहीं पे अगर नाली का कचरा निकला है तो वहीं पे पड़ा है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। रोड का हालत जो है, एक बार जो मुड़त जी के कार्यकाल में और नंदे जी के जो कार्यकाल में जो बना हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे रोड को तो किसी ने झांका तक नहीं कि कहीं पे रोड बनाना है। रोड जो उखड़ चुके हैं, आज भी लोग उसी से आना जाना कर रहे हैं, धूल धड़कड़ सब खा रहे हैं। नालियों का तो कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे नाली नहीं बनी है, और स्ट्रीट लाइट का भी तो पूरे मोआ में यही समस्या है कि रातों में जो है ना, ये मोआ जो है घर के जो लाइट है उसी से रोशन है, जो निगम की तरफ से जो स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए या तो कहीं पर लगी है तो वो जलती नहीं है या तो लगी ही नहीं है। तो जो लोकल जो समस्या है, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं चुनाव, पार्षद का काम क्या है, जनता को रोड बिजली पानी इन सब चीज़ों का तो काम पार्षद का है, और जो पिछला जो पार्षद रहा तो जनता का अनुभव बहुत ही बेकार रहा। और अभी जो हमारे सामने जो आए हुए हैं, तो हम उनके बारे में तो खैर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्षद से त्रस्त हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से त्रस्त हो चुकी है, और कांग्रेस को यहाँ पर दोबारा मौका देना नहीं चाहती, ये निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रचंड बहुमत से नहीं, बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, मैं दावा कर रहा हूँ फिर से कि बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। और हमारी बड़ी बहन है विश्वदिनी, ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे प्रचंड बहुमत से यहाँ पे जीतेगी, और महापौर भी हमारे शहर में होगा। और एक बार जो हमने 10 साल पहले जो सपना देखा था, टैंकर मुक्त जो रायपुर है,
वो जो 10 साल के ये कार्यकाल पे महापौर ने जो नहीं कर पाया, ये सपना हम पूरा करने वाले हैं महापौर बनाने के बाद, वार्ड का जो पार्षद बनने के बाद, जो यहाँ की जो जिम्मेदारी है हम निभाएंगे ही निभाएंगे महापौर बनने के बाद। रायपुर शहर की जनता से जो हमने 10 साल पहले जो वादा किया था और उसके बाद जो अधूरा रह गया, जो टैंकर मुक्त जो रायपुर है, वो वादा भी हम निभाने वाले हैं। सर रहता हूँ और वार्ड क्रमांक 10 में हूँ। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है और नाले की बहुत बड़ी समस्या है जिसमें पानी भर जाता है। कई बार तो जैसे VVR का नाम बताओ कि मैं VVR में रहता हूँ तो वो खुद से बोल देता है, अरे वहाँ जहाँ पे पानी भरा रहता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने किस उसमें रह रहे हैं। और स्ट्रीट लाइटें की भी बहुत समस्या है, लाइटें जलती नहीं हैं और भी कई समस्याएँ हैं जिसका अंबार लगा हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि ये जो समस्याएँ हैं बराबर उसका तुरंत और जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए।